आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलने के बाद महिलाएं अब युद्ध क्षेत्र में भी पुरुषों की तरह अपना पराक्रम दिखा सकती हैं। ये साबित करता है कि कैसे हर एक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तरह ही सफलता के साथ अपने काम को अंजाम दे रही हैं। कुछ ऐसी ही बदलाव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। अभी तक शारीरिक मेहनत वाले उद्योगों में केवल पुरुषों का ही बोलबाला रहा है, लेकिन पुरुषों से मेहनत का काम करवाने का ये पारंपरिक तरीका अब बदल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने इस परंपरा को तोड़ने की शुरुआत कर दी है। अब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की जिम्मेदारी पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी उठा रही हैं। दीज कंपनीज बिलीव दैट वुमेन हैव दीज इननेट क्वालिटीज इन देम एंड दैट्स व्हाई दे आर द आइडियल वर्कफोर्स फॉर दीज कंपनीज। द सेकंड रीजन इज दैट वुमेन आर बिलीव टू हैव सुपीरियर मैनुअल डेक्सटेरिटी कंपेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। एंड व्हेन इट कम्स टू manufacturing electronic components which require handling with precision, women are preferred over the male counterparts. अब तक महिलाएं बड़ी संख्या में गारमेंट्स और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में ही नजर आती थीं, लेकिन अब ये ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी दिखाई देने लगी हैं। दरअसल परफेक्शन के साथ काम करने की महिलाओं की क्षमता मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों को खूब पसंद आती है। इसके साथ ही हर छोटी बड़ी जानकारी को विस्तार से समझना और क्वालिटी काम करने की उनकी कोशिश, उनकी समझ के तरीके कंपनियों में उन्हें काम पर रखने की बड़ी वजह बन रहे हैं। खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर तो महिलाओं को रखने में काफी आगे बढ़ गए हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने ऐलान किया है कि उसकी वर्कशॉप में 10,000 महिलाएं शामिल रहेंगी। हीरो मोटोकॉर्प और एमजी मोटर्स ने भी महिलाओं को बड़ी तादाद में अपनी वर्कफोर्स में शामिल किया है। इसके साथ ही अब महिलाएं केवल गृहिणी बनकर रहने की जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर की हर जिम्मेदारी में हाथ बढ़ाना चाहती हैं। इसके चलते उन्हें भी काम की तलाश है और अपने स्किल के मुताबिक वो रोजगार हासिल करना चाहती हैं। ऐसे में अभी तक उनकी पहुंच से दूर रहे मेहनतकश उद्योग भी बदलते जमाने की जरूरतों के साथ उन्हें अपने यहाँ काम करने का मौका दे रहे हैं।